हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी इंस्टाग्राम संकट में। तो हम ये जानते हैं कि जब से डिफरेंट कंट्रीज़ में टिकटॉक बैन हुए और इंस्टाग्राम ने अपना एक फीचर लॉन्च किया था रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो वो जितना क्रिंज टिकटॉक का था वो आ गया सारे का सारा इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम कम ओनली फैंस ज़्यादा बन गए है पर तो हम देखते हैं जी कि वीडियो के टाइटल से जो मुझे परसीव हुआ है कि इंस्टाग्राम संकट में है। तो एपिसोड 3 है वैसे, तो ये शायद पूरी सीरीज़ है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो हम ये देखते हैं जी सम्राट की पाठशाला इस बार इंस्टाग्राम संकट में है कि टाइटल से हमें किस तरह के जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी 3, 2, 1 एंड जानू, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। तो क्या हुआ, उसे रात को घर बुला लो। पर मैंने तुझे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। क्या? यही होता है जब आप काम के सिलसिले में घर से ज्यादा बाहर रहने लगते हैं। और शर्मा जी के लौंडे इस फिल्म में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो क्या हाल है? सबके जीवन में ना संकट है, दुख है, दर्द है, परंतु सोशल मीडिया का जो दुख है ना वो भाई साहब कभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक बीमारी जैसे ही जाती है दूसरी बीमारी आने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन पहले एक बीमारी कच्चा बादाम के नाम पे परोसी जा रही थी। मतलब क्या पेट नहीं भरा अभी तुम्हारा? कितना कच्चा बादाम खाओगे बे? कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। मतलब आजकल है ना लड़के बिल्कुल सही खेल रही है भाई साहब, उनको पता चल चुका है कि लौंडो की दुखती रख कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतना सुकून आजकल भाई साहब चल ही यही रहा है। सही बात है, क्लेवेज दिखाओ और काम चलाओ। कोई बात नहीं, आ जाएंगी। तो भाई साहब कन्याओं को पता चल चुका है वायरल होने का तरीका। तुमको डांस आता हो चाहे ना आता हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट हो चाहे ना हो, तुम्हारे कंटेंट बड़े होने चाहिए। तुम्हें पता है वायरल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। क्या बात है सम्राट भाई, आगे चलते हैं। okay. चूंकि लौंडो के पास कंटेंट नहीं होता है इसलिए वो भाई साहब फिफिया डोलते हैं। मतलब अब लौंडे वायरल होने के लिए क्या करें, ऐसी हरकत ही करेंगे। क्या होगा इस देश का? फिर तुम लोग बोलते हो कि सम्राट भाई वीडियो ही तब डालते हैं जब उनके पास स्पॉन्सरशिप होती है, बस यही इज्जत रहेगी तुम्हारी नजरों में मेरी? बताओ पिछली वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप था? पिछली को छोड़ो, इस वीडियो में कोई स्पॉन्सरशिप है? कभी देखा है मुझको प्रमोशन करते हुए? उम्मीद नहीं थी यार तुम ये बात बोलोगे। वैसे देखा जाए तो कच्चा बादाम कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। मतलब यार इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये वाला सॉन्ग इतना वायरल हो जाएगा। अबे लोगों ने तैयारी कर कर के वीडियो डाली है भाई साहब। अबे इतने लगन से पढ़ाई कर लेते तो साले कहीं जाके पटवारी लग जाते। खली सर कुछ बोलोगे? हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। खली सर बिजी चल रहे हैं। वैसे खली सर अपने हैं बढ़िया। मैं चाहता हूँ खली सर आप ऐसा पाद मारो कि अब अगर कोई कच्चा बादाम पे वीडियो बनाए तो उसके बादाम फट जाएं। क्यों सर जी? एक बात कहो, गांठ बांध लो। सर बिजी चल रहे हैं। अबे साले, खैर आजकल है ना सोशल मीडिया पे मुझे छोड़कर कुछ भी वायरल हो सकता है। जैसे कच्चा बादाम आपने देख ही लिया, पुदीना वाला आपने देख ही लिया। अब आपको गली कूचों में कोई भी आदमी कुछ भी बेचता दिख जाए ना तो बस उसकी वीडियो बना सोशल मीडिया पे डाल दो, क्या पता अगला ट्रेंड तुम ही ले आओ। सही बता रहा हूँ मैं, अब चाहे आदमी आपको अमरूद बेचता हुआ दिख जाए उसकी वीडियो डाल दो। जैसे पाकिस्तान में वायरल हुआ है, चाचा वायरल है तू मुंबई मुंबई, कोई फिरकनी बेचता हुआ दिख जाए उसको वायरल कर दो। 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी, और खुश हो जाए चच्ची कहाँ से लाई बच्ची। बात बता रही हूँ सच्ची, तो कलवाणी हंस रही खट्टी हम बे, देखिए धर्राएं काट रही है। ओम फो ले भैया, ओम फो, ओम फो। चचा तुम भी वायरल ही हो, कालीन भैया कुछ करो इनका। हम करते हैं प्रबंध।
आप चिंता मत करिए भाई साहब, जिस रफ्तार से आजकल ट्रेंड आ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कल को कोई साला हगने बैठेगा ना, उसके ऊपर भी इंस्टा वाले ट्रेंड ले आएंगे। ले आएंगे नहीं भाई, ले आए है? ले आए साला, मैं पीछे चल रहा हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ, ये मैंने नहीं देखा था। यार कुछ भी, ये क्या ट्रेंड है बे? कोई साला कहीं भी बैठ रहा, मतलब लोगों का पेट कहीं भी खराब हो रहा भाई साहब, बेचारे रोक नहीं पा रहे हैं, कहीं भी बैठ जा रहे हैं, चाहे पार्किंग हो, मॉल का गेट हो, लिफ्ट हो, ये वैसे ट्रेंड आया कब, चाहे शॉपिंग करते हुए हो, चाहे पेमेंट करते हुए हो, चाहे गेट खोलते हुए हो, बस कर यार। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये साली कौन सी बीमारी है जो ग्रुप में ही हो रही है, जिसे देखो वो ग्रुप में बैठ रहा है। अबे कोरोना से तेज तो ये इंस्टा वाली बीमारी फैल जाती है। अब मैं तुमको और तुम सबको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, समस्या है। देखो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, आदमी का शरीर है, कहीं भी दुख लग सकता है। तुम लोगों का पिछवाड़े में लग गया, इसमें सरकार क्या करे बताओ? इंस्टा वाले भी यार कोई भी ट्रेंड बना रहे, सही बात थोड़ी है। अब कल को मैं हगने के लिए बैठ जाऊँ और तुम मतलब कि ये वाला म्यूजिक लगा के उस वीडियो को वायरल कर दो? अबे ये कोई बात है? अच्छा बात नहीं। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्यों पूनम जी? लगता है पूनम जी नाराज चल रही हैं। अबे साले, पहले क्या होता था ना कि लोग है ना घर के अंदर ही वीडियो बनाते थे, चाहे कैसा भी हकते थे लेकिन घर के अंदर ही हकते थे। अब क्या है कि लोगों में ना लाइक्स और फॉलोवर्स की भूख ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो अब है ना समय बदल चुका है। अब लोगों ने लाइक्स के चक्कर में ना बाहर अपना चालू कर दिया, वहाँ पे आते लोग टिकटॉक बना रहे हैं। क्या मतलब क्या मिल जाता है भाई ये पब्लिक में करने से? घर में कर रहे थे तो तुमको चुन्ना काट रहे थे क्या? सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तो सच बताऊँ ना तो वायरल होने के लिए असली मेहनत तो लॉन्डो को करनी पड़ती है। दिन रात मरवाने के बाद भी ना लाइक्स मिलते हैं ना फॉलोवर्स, परंतु लड़कियों का केस में ना ऐसा नहीं होता है। तो पूनम जी आपको बताएंगे कि इंस्टा पर वायरल कैसे हुआ जाता है। पूनम जी आइए। बस करो, आप तो कैरियर बनवा के छोड़ोगी, इसलिए लौंड बर्बाद चल रहे। मोंटी रॉय कैसे उगा लिया भैया तूने? देखा तुमको जब से बस देखा, ये भी बड़ा वायरल हुआ था। अबे हम कंटेंट कहाँ से लाएं? खैर मैं सच बताऊँ ना, जब से इंस्टाग्राम में रील्स का ऑप्शन आया ना भाई साहब, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। मतलब पहले लोगों को लड़की ताड़ने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता था, परंतु अब ऐसा सीन नहीं है बॉस। अब तो बस मोबाइल में इंस्टाग्राम ओपन करो और अपनी आंखें सेक लो। अरे भाई साहब, डॉक्टर को जब फुल बॉडी चेकअप करवाया ना मैंने, तो वो बोलने लगा कि भाई साहब आपकी जो नजरें हैं ना वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा तेज हो गई है। अबे वो उल्टा मेरे से पूछने लगा यार कि ऐसा क्या कर रहे हो आप। अब उस नादान परिंदे को ये क्या पता कि सुबह और रात को सोने से पहले कुछ प्रजनन योग्य मादाओं के सौंदर्य को निहारने के बाद आंखों की रोशनी तेज हो रही है। अब यार देखो, मेरी तेज हो गई थोड़ी सी, तुम भी कर लो। O FOP vai te dar catucadão. तेज हो रही है ना मेरे संग रहोगे, यही मौज लोगे। मैं कंटेंट दिखा दिखा के तुम्हारी नजरें इतनी तेज करवा दूंगा कि तुम पृथ्वी पे बैठे बैठे अप्सराओं का सौंदर्य देख लोगे। जी सोफिया जी, वो बिजी है भाई। आज सोफिया जी आई नहीं है, कहीं गई है क्या? लगता है सोफिया जी नाराज चल रही है। कोई नहीं, हम उनको मना कर लाएंगे, उनके बिना भाई साहब गुजारा नहीं है। अबे साले, खैर अब तुम जाओ, जो तुम्हें करना वो करो, अपन तो चला रील्स देखने। अपने को आंखों की रोशनी तेज करनी है भैया। अब तुम्हें लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। नहीं, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है करो, नहीं करने का तो ऑप्शन है नहीं, मतलब करो। हम माना कि हमारे पास बड़े कंटेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इनको फॉलो नहीं करोगे, वो तो करना पड़ेगा बॉस। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जब बॉय जसमान शुक्ला। ओवर। ओके गाइस, एक बात कहनी पड़ेगी, सम्राट जो है ना, ये जो टॉपिक चूज करता है वो बिल्कुल वो होता है जो सोसाइटी में चल रहा होता है, और ये चीज सोसाइटी में आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कि किसी ने वायरल होने, किसी भी फजूल सी चीज़ पे वायरल हो जाएगा। अच्छा, किसी को व्यूवर्स चाहिए, थोड़ा सा क्लीवेज दिखाओ, उसको सब्सक्राइबर मिलेंगे, उसको फॉलोअर मिलेंगे, उसको हर चीज़ मतलब इतनी अटेंशन मिलेगी कि क्या कहें। अब पहले ये चीज़ थी ना अलग डोमेन में थी, मतलब सबको पता था टिकटॉक पे या स्नैक पे या फिर डिफरेंट जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये चीज़ होगी, तो जो ऑडियंस थी ना इसकी वो सेपरेट थी। अब जब से ये चीज़ फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट पे आई है ना, तो तबाही मची पड़ी है भाई, तबाही। और आप ट्विटर ओपन कर लें,
आप इंस्टाग्राम ओपन कर लें, आप कोई भी जो है ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन कर लें, आपको यही चीज़ मिलेगा। और कुछ तो ऐसे शहजादे होते हैं वो व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा रहे होते हैं तो मतलब कि हम खुद तो देखें, हम दूसरों को भी दिखाएंगे आज वो पार्टी चल रही है। तो बहरहाल ये चीज़ क्या करें जी, अब सोसाइटी के साथ ही चलना पड़ता है। तो बहरहाल गाइस मज़ा आया वीडियो देख के, और एक बड़ा ही छुपा हुआ मैसेज जो कि बहुत क्लियर भी है लेकिन लोग उसको देखते नहीं है, वो यही है कि आजकल जो दिखता है वो बिकता है। तो वही चल रहा है कि लोग दिखा रहे हैं और कमा रहे हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम जो है ना वीडियो जो दिन में एक आ रही है उसको दिन में दो कर दें। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और इंस्टाग्राम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।